Hi guys, welcome back. So, राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत का आज है डे नंबर 3। फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई है। अब तक इस फिल्म का कितना कलेक्शन हो चुका है, इस फिल्म का बजट कितना है, कितना और इस फिल्म को कलेक्शन चाहिए अपने बजट को रिकवर करने के लिए, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल पर सब्सक्राइब। जैसे कि आपको पता ही है कि श्रीकांत का जो रिव्यू आया है, ऑडियंस रिव्यू आया है, मिक्स रिव्यू है, एक्सपेक्टेशंस जितना लेवल का नहीं आ पाया। जबकि मैं अपनी भी अगर बात करूंगी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी इस फिल्म से। ऐसा लग रहा था कि शायद ये बॉलीवुड का क्राइसिस थोड़ा बहुत कहीं पर खत्म कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिल्म का बजट बताया जा रहा है 50 करोड़, 50 करोड़ इस फिल्म का बजट है। लेकिन अभी तक के अगर हम कलेक्शंस की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक बार डे वाइज कलेक्शन। डे नंबर 1 जिस दिन पर फिल्म रिलीज हुई थी, ओपनिंग डे की कलेक्शन इस फिल्म की काफी वीक थी। 2.25 करोड़ इस फिल्म की इंडिया नेट कलेक्शन थी ऑन डे 1, इंडिया नेट कलेक्शन थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड डे की, यानी कि फर्स्ट सैटरडे जो आया, अभी देखो ये वीकेंड के जंप्स हैं कितने हैं, 86.6% का एक जंप आया श्रीकांत की कलेक्शंस में, और सीधा कलेक्शन पहुंच गई टोटल कलेक्शन जो उस दिन की थी, डे नंबर 2 की थी, वो थी 4.2 करोड़, यानी कि मिला के ये कलेक्शन 6.5 करोड़ के आसपास की पहुंची। और अगर हम आज की बात करते हैं, संडे की बात करते हैं, संडे यूजुअली सैटरडे से बड़ा होता है कलेक्शन वाइज, तो अभी तक कलेक्शन 6 बजे के हिसाब की रिपोर्ट के हिसाब से 4.05 करोड़ की हो चुकी है। इसी के साथ टोटल इंडिया कलेक्शन हो चुकी है 10.5 करोड़ की। 50 करोड़ के बजट में अभी तक 10.5 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। 40 करोड़ और इस फिल्म को चाहिए अपने बजट को रिकवर करने के लिए, 40 करोड़ की रकम। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं इस फिल्म का आज के दिन पर क्या ऑक्यूपेंसी चलती रही, मॉर्निंग शोज 14.58%, आफ्टरनून 28.5%, मुझे लगता है इवनिंग और नाइट में थोड़ा सा फॉल लेगी, इवनिंग में 25-26% और नाइट में ये जो ऑक्यूपेंसी है ये गिर के 20% से कम की हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता है, सभी को पता है संडे नाइट के बाद जो मंडे आता है, डेडली मंडे, उसके लिए लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं, फिल्में देखने जाने के लिए लोग नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं घर में बैठ के रेस्ट करें ताकि अगले दिन से काम पे लग सके। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है ना इस फिल्म के लिए, वो चैलेंज है मंडे का चैलेंज, वीकडेज का चैलेंज जो कल से स्टार्ट होगा। कल के दिन पर अगर इस फिल्म ने कुछ भी करके अपने आप को रिटेन नहीं रखा फ्राइडे की कलेक्शन जितना, यानी कि 2.5 करोड़ की अगर इस फिल्म की कलेक्शन नहीं आई कल के दिन पर, तो हम समझ सकते हैं कि फिर इस फिल्म को काफी नुकसान होगा, अपना बजट रिकवर करने में से काफी दिक्कत होगी। क्योंकि अभी देखो ऑडियंस बिल्कुल भी मूड में नहीं है फिल्में देखने के लिए। एक सर्वे चल रहा था जिसमें बातचीत हो रही थी कि कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनको री रिलीज किया जाए ताकि ये जो ड्राउट है, ये जो क्राइसिस है बॉलीवुड की, खत्म हो सके, लोग जाएं निकलें घरों से बाहर फिल्म देखने के लिए। जिसमें मेरा जो ओपिनियन था वो यही था कि इस वक्त पे जब तक इलेक्शंस चलेंगे तब तक किसी भी फिल्म के बारे में नहीं सोचा जा सकता। ये एक तरीके से आप समझ लो शटडाउन ऑफ थिएटर जो हो रहा है या शटडाउन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस जो हो रहा है, ये होगा ही, 4 जून तक ये होना ही होगा जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं। अब इस बीच में अगर कोई फिल्म रिलीज होती है, क्या इसका मतलब ये है कि वो मुंह के बल गिरेगी और उसको ऑडियंस नहीं मिलेगी? फिलहाल हम श्रीकांत के केस में ऐसा देख रहे हैं। श्रीकांत के केस में जैसे बता रही हूँ मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं, और अगर ये, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, अगर ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त होती, मान लीजिए अगर इसकी कहानी बहुत लोगों को पसंद आती, इसका एक्ट लोगों को बहुत पसंद आता, शायद ये जो ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 50-60% की चली जाती, विच इज़ अ ह्यूज ऑक्यूपेंसी। बट ऐसा होता हुआ अभी मुझे लग नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। अभी ये जो ड्राउट है थोड़ा सा और लंबा चलेगा और ये कहीं ना कहीं खत्म होगा बिल्कुल मई के एंड के आसपास या जून के शुरुआत में। उससे पहले हम लोग किसी भी फिल्म का कलेक्शन बहुत बड़ा हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है। शो काउंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई मुंबई में इस फिल्म के पास 501 शोज हैं, दिल्ली एनसीआर में 806 शोज हैं, पुणे में 177 शोज हैं, बैंगलोर में 217 शोज हैं। अभी इस फिल्म के पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई बड़ी फिल्म, छोटी फिल्म, कैसी भी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है बॉलीवुड की तरफ से। अब जो होंगी फिल्में वो आएंगी 31 मई के आसपास, उससे पहले कोई बड़ी रिलीज मुझे नहीं लगता है, होगी भी अगर तो वो OTT डेब्यूज होंगे जहां तक मुझे लगता है, वो मुझे चेक करके बताना पड़ेगा। बट श्रीकांत राइट नाउ इज इन अ मिड काइंड ऑफ अ जोन, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बोलूंगी बहुत सेफ जोन में आ चुकी है, अभी इसको स्ट्रगल करना है। 10 करोड़ की अभी तक कलेक्शन आई है इंडिया नेट कलेक्शन में। अगर ये मंडे का टेस्ट अपना रिटेन कर जाती है तो हम देखेंगे आगे चल के इस फिल्म का कलेक्शन कितना रहने वाला है। लेकिन आपकी इस सब पे क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।